हमारी रसोई में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपके लिए कुकर में झटपट से बन जाने वाली वेज बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। वेज बिरयानी के लिए पहले हम वेज तैयार कर लेते हैं। तो एक बड़े से मिक्सिंग बाउल में मैंने थोड़ा गोभी लिया है, थोड़ा गाजर, इन सबको मैंने मोटे मोटे टुकड़ों में काटा है, थोड़ा मटर डालेंगे। सब्जी आप अपने पसंद के अनुसार कोई भी ले सकते हैं। इसके ऊपर हम फ्राइड अनियन डालेंगे। जिस तेल में मैंने अनियन को फ्राई किया 2 चम्मच वही तेल डालेंगे। ऊपर से 2 हरी मिर्च को बीच से कट करके, चम्मच भर अदरक लहसुन का पेस्ट, साथ ही चम्मच भर धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। इसके ऊपर से हम 4 चम्मच फ्रेश दही डालेंगे। तो दही को मैंने 1 कप पानी के साथ घोल के डाला है। 1 चम्मच पुदीना पत्ता, 1 चम्मच धनिया के डंठल को बारीक कट करके और स्वाद के अनुसार नमक डालकर हम इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। इन सारे चीज़ों को एक बार में इस तरह से मिक्स कर लेने से हमारा आगे का काम अब एकदम आसान हो जाएगा। इसे अब हम साइड में रख लेते हैं और बिरयानी के लिए चावल को देख लेते हैं। यहाँ मैंने 400 ग्राम बासमती राइस लिया है। 2-3 बार अच्छे से धो लेने के बाद हम इसमें पानी डालकर कुछ देर के लिए छोड़ देते हैं। तब तक मैं हम गैस पर कुकर चढ़ाते हैं। कुकर के गर्म होते ही हम इसमें 1 चम्मच घी डालेंगे और घी के मेल्ट होते ही कुछ खड़े गरम मसाले और तेज़पत्ता डालकर हम इसे थोड़ा सा चटकने देते हैं। अब हम इसमें उन सब्जियों को डालेंगे जिसे मैंने दही और मसालों के साथ मिक्स करके रखा था। मीडियम फ्लेम पर हम इसे 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। अब हम इसमें भिगोया हुआ चावल डाल देते हैं। सब्जियों के ऊपर इसे अच्छे से सेट कर लेंगे। फिर चावल का 2 गुना पानी डालेंगे। थोड़ा पानी मैंने दही के साथ सब्जियों में डाला था तो उसे माइनस करके बाकी का पानी अभी डाल देंगे। इसके ऊपर कुछ पुदीना का पत्ता डालेंगे, स्वाद के अनुसार नमक डालेंगे। थोड़ा नमक मैंने सब्जियों में भी डाला था तो यहाँ पे आप देख के डालिएगा। 2 हरी मिर्च बीच से कट करके, 1 चम्मच फ्राइड अनियन, 2 चम्मच बिरयानी मसाला और 1/4 चम्मच गरम मसाला पाउडर डालेंगे। 1 बड़ा चम्मच घी डालेंगे और फिर कुकर के ढक्कन को लगाकर फुल फ्लेम पर 1 सीटी आने तक पकाएंगे। 1 सीटी लगने के बाद हम इसे अपने आप ठंडा होने देंगे और फिर ढक्कन को हटाएंगे। अब हमारा वेज बिरयानी तैयार है सर्व करने के लिए। इसे हम एक बड़े से बर्तन में पलट लेते हैं ताकि सर्व करते समय चावल हमारा टूटे नहीं। देखिए कितना बढ़िया सा कलर आया है बिरयानी में, बिना किसी फूड कलर या केसर के भी। बिरयानी का हर दाना एकदम खिला खिला है। देखा आपने कितने कम समय में और बिना किसी झंझट के मैंने मिनटों में वेज बिरयानी कुकर में तैयार कर लिया। आप भी इस तरीके से एक बार इस वेज बिरयानी की रेसिपी को ट्राई कीजिए और अपने अनुभव को हमारे साथ शेयर कीजिए।